नमस्कार, आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। मैं रवि पांडे, आप लोगों को मैं आज ऐसी जगह लेके आया हूँ जहाँ आप लोग जो है तो खबरों की उम्मीद करते रहे होंगे कि ये चीज़ हमें आप दिखाइए। आपकी उम्मीद पे जो है तो हम खरा उतरने के लिए ऐसी जगह आपको लेके आया हूँ जहाँ आप लोगों को बता दूँ कि मैं इस टाइम पर जो जहाँ खड़ा हूँ ये वो जगह है जहाँ पहले इसे गौ घाट बोला जा रहा था, लेकिन गौ घाट अब नहीं बल्कि इसे 90 घाट कह सकते हैं। मेरे 90 घाट का कहने का मतलब ये है कि जहाँ अब तक की कम से कम 100 से ऊपर लाशें जहाँ जल चुकी हों, कोरोना से ग्रसित होके और कई तरीके से बीमारियों से भी ये जो है पूरा भरा हुआ लाशों का भंडार था जहाँ यहाँ जलकर राख से खाक हो चुके हैं लोग। वहीं मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इस टाइम पर जहाँ मौजूद हूँ मैं, तो इस गौ घाट का जो इस घाट का नाम था उसे आप 90 घाट कह सकते हैं। 80 घाट तो आज तक आप लोगों ने सुना था कि 80 घाट जो है वो इलाहाबाद में है जहाँ गंगा बहती है, वहाँ 80 घाट सुनने को मिला होगा, लेकिन आज 90 घाट हम इसे कह सकते हैं जहाँ इतने सारे यहाँ पर लाशें जल चुकी हैं। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज मैं जहाँ पर प्रेजेंट में हूँ, यहाँ एक सोन है जिसे गौ घाट कहते हैं, और ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये पूरा सोन, यहाँ मैं आप लोगों को नीचे चल के दिखाऊँगा, कैमरामैन को बोलूँगा साथ साथ में चले और मैं दिखाऊँगा आप लोगों को कि किस तरीके से यहाँ जो है तो लाशें आती हैं, किस तरीके से जलती हैं, और आपको दिखाएंगे हम कि जलने का स्थान कौन सा है, कितनी गहराई तक लोग यहाँ से उतरते हैं। आप खुद देख रहे हैं मैं कैसे उतर रहा हूँ, कहाँ पहुँच रहा हूँ, और ये जो जगह है मैं आप लोगों को बता दूँ कि काफ़ी मतलब हृदय कह सकते हैं कि हृदय जो है कांप जाता है यह सब देखकर। जहां लोग पहले यहां मेला लगा करता था, लोग यहां खुशियां बांटने आया करते थे, वहीं आज देखने को मिल रहा है कि लोग यहां खुशियां नहीं बल्कि रोते हुए बिलखते हुए यहां आते हैं। इस बिलखते हुए की आवाज़ आप तक जरूर गूंजेगी, हम भी कह रहे हैं कि आप इस बिलखते हुए आवाज़ को भी फील कर पाएंगे जब आप देखेंगे कि कितनी यहां लाशें जली हैं और जलकर राख कर खाक हो चुकी हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, इस टाइम पे जहां मैं मौजूद हूं, ये सोन के किनारे मैं खड़ा हूं। आप लोग देख सकते हैं वहां पे आज भी मटका रखा हुआ है, यहां लाशें जो है तो जलाई गई थी, हम और चल के आपको दिखाएंगे। इस तरीके से मैं आप लोगों को दिखा दूं कि आप लोग कोरोना से जो है, हम ये नहीं कहते कि आप इतना ज़्यादा डर जाइए कि संकोच में या फिर आप किसी भी तरीके से कोई कार्य ना कर पाएँ। यहाँ जो है आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे लाश जली है, आगे भी लाश जली हुई है, यहाँ से वहाँ तक आप देखते रहिए, आप लोगों को देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बांस वगैरह लगा हुआ है जिसे लाद कर लेके आते हैं चार लोग, और हमारे पास जो है मैं आप लोगों को बता दूं कि उस साइड भी है जो मैं आप लोगों को कुछ दिखाऊँगा। हम पूरी रिपोर्ट आपको प्रदान करवा रहे हैं और पूरी रिपोर्ट हम आप लोगों को दिखाएँगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जहाँ यहाँ पर भी बॉडी जली है, मतलब अगर हम गिनती करेंगे तो हम आपको क्या बताएं कि कितनी सारी यहाँ पे भी जो है तो बॉडी जली है, जो बरसात के कारण जो है तो ऐसा दिखाई दे रहा है। हमारे पीछे जो है मतलब ये कह सकते हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं यहाँ भी राख बिखरा हुआ है। मैं आप लोगों को बता दूं ये चीज़ कि मतलब मेरे चारों तरफ 90 घाट दिखाई दे रहा है आपको। हर तरफ आप देखेंगे कि सिर्फ यहाँ पे लाश की जली हुई जो है लकड़ियाँ और राख ही पड़ी हुई हैं। पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से वहाँ तक जहाँ आप लोगों को कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं उससे भी आगे तक जो है यहाँ पर जो है तो लाशें जली हैं। ये जो कोरोना था आपके परिवार को अनाथ कर चुका है, ये जो कोरोना है आप लोगों को बर्बाद कर चुका है। किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है लोगों का, किस तरीके से डॉक्टर देख रहे हैं, किस तरीके से परिजन देख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कोरोना जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा। हम आप लोगों को बताएंगे, हम काफ़ी ऊपर से नीचे आए हैं, आप लोगों को कुछ ऊंचाई दिखाई दे रही होगी, ऊपर से चलकर हम यहाँ नीचे आए हैं जहाँ ऐसी व्यवस्थाएं हैं, हम और भी चीज़ें आपको दिखाएंगे। यहाँ तो उस टाइम पे जहाँ मैं यहाँ मौजूद हूँ इस टाइम पर, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे आसपास यहाँ पे कोई नहीं है, इसलिए मैंने कवर नहीं किया, मास्क जो है लगाया नहीं हूँ अच्छी तरीके से, लेकिन लगाना भी चाहिए था। लेकिन मैं आप लोगों को ये चीज़ कहना चाहूँगा कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा जो है लाशें जली हुई हैं, हम खुद जो है चिता के ऊपर खड़े हैं, जहाँ यहाँ चिता है वहाँ ऊपर मैं खड़ा हूँ। आप लोगों को और दिखा दूँ कि यहाँ पर जो है ऊपर गाड़ी मोटर बाइक चल रही हैं, पूरा पुल है, आप लोगों को सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मैं बता दूँ यहाँ ढेर सारे गगरी मटके
और यहाँ से वहाँ तक आप देखिए बहुत सारी चीज़ें, वहाँ लकड़ियाँ वगैरह सब कुछ दिखाई दे रही हैं, मतलब आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वहाँ से लेकर वहाँ तक कितनी लाश जली हुई हूँ। हम ये कह सकते हैं कि अगर जहाँ पर हम मौजूद हैं अगर 10 यहाँ हैं तो यहाँ से लेकर वहाँ तक कितनी लाशें जली होंगी, अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। हम कह नहीं सकते क्योंकि हमने देखा नहीं है, लेकिन मैं जो यहाँ पे राख पड़ी हुई है, जो चिता की लकड़ियाँ पड़ी हुई है, उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ से लेके वहाँ तक कम से कम हम कह सकते हैं कि 100 लाशें जली होंगी यहाँ पर। किस तरीके से गिनती हुई वो भी मुझे नहीं पता, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर कि वहाँ से लेकर वहाँ तक जहाँ तक हमारा नज़रें पहुँच रही हैं, यहाँ से कुछ दूरी तक लगभग हम कह सकते हैं कि 100 मीटर के 50 मीटर के रेंज में, टोटल 100 मीटर ही कह सकते हैं कि 100 मीटर के रेंज में जो है सिर्फ लाशें जली हैं। और हम कुछ लोगों से भी संपर्क करेंगे अगर यहाँ पर कोई मौजूद होगा। हमने देखा कि ऊपर एक बाबा है, उनसे मैं पूछूंगा कि किस तरीके से कि यहाँ जो बॉडी है तो बॉडी जो है कितनी डेली जल रही है और किस तरीके से जलाई जाती है, उनसे हम थोड़ी सी पूछेंगे, ये चीज़ देखेंगे, कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं मैं इस टाइम पे जो है तो नीचे घाट से ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ पे आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है जहाँ पे बजरंगबली की वो जो मूर्ति है वो स्थापित है और ऊपर जो है तो पीपल का पेड़ है, उन्हीं के नीचे जो है इधर शिव जी की मूर्ति है रखा हुआ है, यहाँ पर शिवलिंग कह सकते हैं और उधर गणपति जी हैं और यहाँ पर एक बाबा बैठे हुए हैं। बाबा से हम जानने की ये चीज़ कोशिश करेंगे कि बाबा जी यहाँ पर कितने सालों से हैं और जो है यहाँ पे डेली का जो है क्या है, कैसा है, कितने लोग जो है यहाँ पे आते हैं और लगभग आज कितनी लाशें जली हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है बाबा जी आपका? हमारा जी सोन भक्त नाम है, सोन भक्त महाराज जी। बापू दास नाम जी। हाँ तो आप कहाँ से हैं, आपका शुभ स्थान? गौघाट नहीं, आपका जो घर है? घर हमारे यहाँ है पटपरा, जन्मभूमि जी। हाँ तो आप यहाँ कितने सालों से हैं? यहाँ से 20 साल भा महाराज, हमका ये आश्रम बनवाए, ये आश्रम जो यहाँ पर है 20 साल से आप यही हैं? पहले कुछ नहीं रहा, अब सब बन जाए तब ठीक है जी। ये बताइए कि यहाँ पर कोरोना काल में लगभग हम ये कह सकते हैं कि लोग इतना मरते हैं, जहाँ परिजनों को जो है तो बॉडी नहीं दी जाती, यहाँ पे जो है तो नगर पालिका खुद आती है बॉडी जलाने के लिए? जलावट है वो, नगर पालिका जलावट है। अब जब महाराज गलती नहीं, हम कहना नहीं कि हम कहाँ बताइए कपड़े मान ली कि सब तो पूजन की हो, लगभग 100 क्रास हो गया। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आज के दिन पे लगभग कितनी बॉडी जली होंगी? आज तो दो जली महाराज, हमका दो जल गए। हाँ दो जल गए, एक थानेदार आई जी, एक और आई, हमका थे। वो थानेदार कहाँ के थे? उजीवा के आई सीधी रहा था। अच्छा हाँ, आज उनकी बॉडी यहाँ पे जली तो सवरा खुच जाएगा जी, पर सवरा खुच जाएगा जी, सब खड़ा होगा सीधी सीधी के आए रहे हैं। यहाँ पर बॉडी जलवाने के लिए कोई महापात्र या फिर कोई पंडित आते हैं क्या? रहते हैं, बैठते हैं। अच्छा वो कब बैठते हैं? रोज रहते हैं, वो रोज रहते हैं, दिन भर शाम चल जाते हैं। हाँ जिसको कराएंगे दूसरा फूल माला डालते जी जी। हाँ तो लगभग ये बताइए कि आज तो दो हो गई, कल की लगभग कितनी लाशें यहाँ पे जली? कल पांच जली, कल पांच बॉडी जली यहाँ पे। तो आपने देखा कि पांच बॉडी जली? हाँ, अब जो है पुण्य लिया मैं कहा। यहाँ पे आप अकेले रहते हैं? अकेले हनुमान जी हैं बस, एक भी बाय बस। कभी आपको डर वगैरह नहीं लगता? आपका काल आ गया महाराज जी, हो जाए हम संतान। इतने लोगों की यहाँ पे जो है तो लाशें जली, लगभग 100 लोग जले, आपको कभी डर नहीं लगा? कभी डर नहीं लगा, देख ली है तीर तीर तमाम जली हैं, पर ऊँट लाए रहे हैं बाबा। आपका यहाँ पे पेट कैसे चलता है? जी आते हैं डेढ़ तीन दस पाँच जी जी। हाँ सीधा पाँच जी जी। हाँ अभी आपका कैसे, मतलब आज के दिन में कुछ आपको मिला आज खाने पीने को? हाँ सब सीधा मिला है, खाए का रुपया सब दूसरा मिल गए हैं जी। हाँ तो मतलब आज का आपका हो गया कि कुछ खाने पीने को मिला, व्यवस्था आपकी हो गई? हाँ रोज हो जाता है महाराज जी। हाँ खाने को आपका व्यवस्था हो जाता है? देते देते हैं बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। चलिए धन्यवाद आपका, जा बने रहा, आशीर्वाद बना। हाँ, आशीर्वाद। ये रही बाबा जी की रिपोर्ट जो वो बता रहे हैं आपको कि यहाँ पे जो है तो आज लगभग दो और कल जो है तो पांच, यानी कह सकते हैं कि दो दिन के अंदर अगर 7 लोगों की यहाँ पे अगर बॉडी जली तो आप उम्मीद कीजिए कि 2 महीने में कितनी जली होंगी। और आपको हम ये कहना चाहेंगे कि आपने देखा, हमने जो है आपको दिखाया पीछे यहाँ पर कि लगभग कई सारे जो है तो लाशें देखने को मिली आपको, जो है तो लाशें नहीं कह सकते, राखें आपको देखने को मिली जहाँ जहाँ पे जलाया गया। पीछे आपको ये पुल दिखाई दे रहा है और वहाँ पे है तो धुआं उठ रहा है, आज भी चिता का धुआं उठ रहा है, वहाँ पर हम आपको दिखाएंगे, वहाँ पर भी ले चलते हैं आपको, वहाँ का जो है पारदर्शी आपको डायरेक्ट दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बॉडी जल रही है।
और जो है कैसे लकड़ियों की व्यवस्था की जाती वहाँ भी थोड़ी सी आपको दिखाएंगे, और कितने मटके कितनी लाशें वहाँ पर मौजूद थी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।